हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में ना ही मैं व्लॉग दिखाने वाली हूँ, ना ही कोई रेसिपी दिखाने वाली हूँ। आज के वीडियो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बोला था, मेरे पिछले एक वीडियो में, कि मैं कैसे बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं कैसे त्रिशा को पढ़ाती हूँ। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि हाँ दीजिए वो वाला वीडियो। तो आज का वीडियो वही एजुकेशनल वीडियो है कि बच्चों को कैसे अल्फ़ाबेट्स सिखाया जाए, हाउ टू टीच अल्फ़ाबेट्स टू किड्स। और मुझे आप ना टीचर के जैसे कंपेयर मत करिएगा, टीचर के जैसे मैं नहीं सिखा रही हूँ। मैं एज ए मॉम आपको बताऊँगी कि मैं त्रिशा को किस तरह सिखाई थी, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बताऊँगी कि आप भी बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं जो बताऊंगी, ओरली बताऊंगी कि ओरली आप अल्फ़ाबेट्स कैसे सिखाएंगे। साउंड से सिखाना पड़ता है। और जैसे हम छोटे थे ना, तब हम क्या सीखे थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जो कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो गया और गलत भी है। एक्चुअली वैसे सिखाने से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आप अगर साउंड से सिखाएंगे तो बच्चों को आप इन फ्यूचर जब भी, मतलब जब थोड़ा सा वो उनको साउंड पता चल जाएगा, आप जब भी एक स्पेलिंग बोलोगे बोलने के लिए, वो ना एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि साउंड से स्पेलिंग बोलने की। उस तरह क्या होता है ना, बहुत हेल्प हो जाती है इन फ्यूचर। मैं आपको एक किस्सा बताने वाली हूँ, आज की ही बात है। एक्चुअली त्रिशा को जब भी कुछ चाहिए होता है, वो जाके अपने पापा को बोलती है, मुझे ये चाहिए शॉपिंग मॉल से, ये ला के दो शॉपिंग मॉल से, वो ला के दो। तो उसके पापा ने उसको बोला था कि तुझे जब भी जो चाहिए तो एक कॉपी में लिस्ट बना ले, जब भी जो चाहे याद आता है तो लिख ले, फिर मैं जब जाऊंगा शॉपिंग मॉल में लेके आऊंगा। तो वो आज लिखी थी मिल्क शेक। तो मिल्क का स्पेलिंग उसको पता है, लेकिन शेक का स्पेलिंग उसको पता नहीं है। लेकिन उसने लिखा था SEC, जिसका प्रोनाउंस शेक ही होता है, जैसा शेक थीटा टैन थीटा हम पढ़े थे ना मैथ में, तो वो ये शेक ही है। लेकिन वो किस तरह लिखी थी, साउंड से, एक्चुअली शेक साउंड हो रहा है, तो SEC, एस का साउंड सा, ई का साउंड ए, सी का साउंड क, सा ए क, शेक। तो इस तरह साउंड से वो लिखी थी। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये, कि अगर आपका बच्चों का जो कंसेप्ट अगर क्लियर होगा जो अल्फ़ाबेट्स का साउंड से, तो बच्चे ना आराम से कोई भी वर्ड्स का स्पेलिंग बता पाएंगे। आप अगर बोलोगे कि साइकोलॉजी का स्पेलिंग बोलो, साइको का, तो वैसे तो नहीं बोल पाएंगे, वो तो बड़े होने के बाद अपने आप ही सीख जाएंगे। लेकिन जब आप छोटे बच्चे को पढ़ाते हो, ए फॉर एप्पल ऐसे नहीं पढ़ाना है, साउंड से पढ़ाना है, जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैं आपको किस तरह बताऊंगी। एक्चुअली मैं लिख के आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये वाले फोर लाइन पेपर में मैं आपको लिख के बताऊंगी और कर्सिव में लिखूंगी, जिससे आपको कर्सिव का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको वीडियो चाहिए रिटिन में भी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी और इसका एक प्लेलिस्ट मैं बनाने वाली हूँ। ये वाला वीडियो है ओरली बच्चों को कैसे सिखाते हैं, फिर मैं रिटिन वर्जन में लाऊंगी। जैसा जैसे मैं त्रिशा को पढ़ाती हूँ, वैसे वैसे मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह पढ़ाते हैं। एक्चुअली त्रिशा तो अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो उसका तो अलग से पढ़ना शुरू हो गया, मतलब अप डाउन ऑन अंडर एवव बिलो ये सब हो गया उसका। तो मैं वो भी सिखाऊंगी आगे, लेकिन मैं अभी शुरू कर रही हूँ छोटे से कब कैसे पढ़ाते हैं। तो पहले मैं अल्फ़ाबेट से शुरू कर रही हूँ। ये अगर आपका क्लियर हो गया ना, उसके बाद जितना भी साउंड है धीरे धीरे करके मैं आपको बताते जाऊंगी। अगर आपको चाहिए वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा नीचे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ए आ, ए का साउंड आ, A A apple, A A apple. वैसे B B का साउंड B B B ball, B B ball. Then C C का साउंड K C K cat, C K cat. और जैसे कि मैंने अभी लिखा था सी क कैट,
एक्चुअली सी का साउंड दोनों होता है, क भी होता है, स भी होता है, लेकिन आपको पहले छोटे से बच्चे को आप जब सिखाते हैं अल्फ़ाबेट्स, तो आपको सी का साउंड क ही सिखाना है, स नहीं सिखाना है। एक्चुअली जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो सी का साउंड स भी होता है, आप बताइएगा। जहाँ पे सी के बाद आई ई वाई होता है, वहाँ पे सी का साउंड स होता है, ये सिखाइएगा। लेकिन बाद में सिखाइएगा, मतलब मैक्सिमम टाइम सी के बाद अगर आई ई वाई आया तो सी का साउंड स होगा, बाकी सब टाइम में सी का साउंड क होगा। लेकिन ये मैक्सिमम टाइम पे होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे सी का साउंड अलग भी हो सकता है। फिर हम लिखेंगे डी, डी का साउंड ड, डी ड डॉग, डी ड डॉग। देन ई, ई का साउंड ए, ई ए एग, ई ए एग। देन एफ, एफ का साउंड फ, एफ फ फैन, एफ फ फैन। देन जी, जी का साउंड ग, जी ग गन, जी ग गन। देन एच, एच का साउंड ह, एच ह हैन, एच ह हैन। देन आई, आई का साउंड ई, आई ई इग्लू, आई ई इग्लू। देन हम लिखेंगे जे, जे का साउंड ज, जे ज जग, जे ज जग। देन के का साउंड क, के क किंग, के क किंग। देन एल, एल का साउंड ल, एल ल लायन, एल ल लायन। देन एम, एम का साउंड म, एम म मैंगो, एम म मैंगो। देन एन, एन का साउंड न, एन न नेस्ट, एन न नेस्ट। देन ओ का साउंड ओ, ओ ओ ऑरेंज, ओ ओ ऑरेंज। देन पी, पी का साउंड प, पी प पिकक, पी प पिकक। देन हम लिखेंगे क्यू, क्यू का साउंड क व क्व, क्यू क्व क्वीन, क्यू क्व क्वीन। देन आर, आर का साउंड र, आर र रैबिट, आर र रैबिट। देन हम लिखेंगे एस, एस का साउंड स, एस स सन, एस श सन। देन टी, टी का साउंड ट, टी ट टाइगर। देन हम लिखेंगे यू, यू का साउंड यू एच, अ साउंड करेंगे अ, यू अ अंकल, यू अ अंकल। देन हम लिखेंगे वी, वी का साउंड व, वी व वैन, वी व वैन। कैसे हम साउंड करेंगे व का साउंड, बाइट योर लिप्स, लिप को बाइट करके व का साउंड निकालना है आपको भी में। वैसे ही डब्लू का साउंड वो ही सेम है व, डब्लू व वच, डब्लू व वच। लेकिन यहाँ पे आपको साउंड निकालना है, कैसे निकालेंगे, मेक योर लिप्स अराउंड, मेक योर लिप्स अराउंड एंड से वो, डब्ल्यू वो वच। और जैसे कि मैंने अभी लिखा कि वी का साउंड वो है वो, लेकिन आपको प्रोनाउंस कैसे करना है, वो साउंड कैसे करना है, बाइट योर लिप, लिप को बाइट करके आपको वो बोलना है, व ऐसे बोलना है, बाइट करके व, ऐसे करने से वी व वैन, लिप आपका टच होने के बाद ही व साउंड होना चाहिए, वैन, वी व वैन ऐसे। और डब्लू, जैसे कि मैंने लिखा था डब्लू का साउंड भी व होता है, लेकिन उसका साउंड कैसे व करेंगे आप प्रोनाउंस, लिप को राउंड करके वो, वो डब्ल्यू वो वॉच, लिप टच नहीं होना चाहिए। भी में व का साउंड जब आप निकाले, लिप टच करके, लिप बाइट करके आपको निकालना पड़ेगा,
और डब्लू का जब व आप बोलेंगे तो उसका साउंड वो आएगा, लिप टच नहीं करेगा, तो वो ध्यान रखिएगा। देन हम लिखेंगे एक्स, एक्स का साउंड क स क्ष, एक्स क्ष, एक्स मास, एक्स क्ष, एक्स मास। देन वाई का साउंड य, वाई य, येलो, वाई य, येलो। देन हम लिखेंगे जेड, जेड का साउंड जी, जेड का साउंड जी, जेड जी, जीब्रा, जेड जी, जीब्रा। बस ऐसे ही आपको प्रनाउंस करके बच्चों को सिखाना है। अगर आपको मेरी ये वाले वीडियो पसंद आई तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, और क्या और जानना चाहते हैं और मैंने क्या गलत बोला, अगर आप सही जानते हैं तो मुझे फीडबैक भी दीजिएगा, और क्या एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं अगर आप बोलेंगे तो मैं रिटिन में भी दूंगी कि कर्सिव लेटर कैसे सिखाते हैं बच्चों को। नॉर्मल लेटर तो सब सिखा लेंगे लेकिन कर्सिव अगर आप सीखना चाहते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो कैसे सिखाते हैं, मैं आपको वो भी बता सकती हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी, पार्ट टू लाऊंगी। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय।